सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसे लॉन्च किया जाएगा 29 जनवरी को इंडियन मार्केट में। इस स्मार्टफोन के सभी स्पेक से लेकर प्राइसिंग कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में क्या इस वक्त देखने को मिलेगा, कौन से प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में, और ये स्मार्टफोन आपके लिए बेसिकली कैसा होने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे डिटेल के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो डिजाइन वाइज Realme के स्मार्टफोन बहुत ही बड़े होते हैं। तो डिजाइन यहां पर आपको बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में फ्लैश लाइट की सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और लुकिंग वाइज काफी प्रीमियम देखने को मिल जाता है Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि कर्व AMOLED डिस्प्ले रहेगा। ये डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। HD10 प्लस का सपोर्ट रहेगा, तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। कंटेंट वॉचिंग आप बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। कर्व डिस्प्ले है तो इन्हें फील बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा, और चीन और बेजल वगैरह आपको ना के बराबर देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं होगा। और बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में Qualcomm की तरह से आने वाले प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 7th Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4nm बेस प्रोसेसर है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। Adreno 710 GPU के साथ में आता है, तो गेमिंग वगैरह काफी आसानी से हैंडल कर लेगा। और AnTuTu स्कोर के बारे में बात करते हैं तो 6 लाख के करीब AnTuTu स्कोर को निकाल के देता है, तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन से आप हाई एंड गेमिंग कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। और इस प्रोसेसर को हमने पोको X6 और Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन में देखा है, तो आपको उन्हीं स्मार्टफोन के सिमिलर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और बात करते हैं रैम ऑप्शन के बारे में। तो 8GB रैम के साथ में 256GB स्टोरेज ऑप्शन, और 12GB रैम के साथ में 512GB स्टोरेज ऑप्शन, और 16GB रैम के साथ में आपको 1TB तक आपको स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। Realme इस स्मार्टफोन में कैमरा में बहुत ज्यादा अपग्रेड करने वाला है। 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। सोनी IMX890 सेंसर रहने वाला है। 64MP टेलीस्कोप टेलीफोटो, और 8MP का अल्ट्रोइड कैमरा। सेल्फी कैमरा 32MP का होगा, और इसके सेल्फी कैमरा से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सेल्फी और वीडियो कॉलिंग आप कर पाएंगे। इसके प्राइमरी कैमरा से 4K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो इसके सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो इस स्मार्टफोन से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सेल्फी और वीडियो वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। इसे चार्जिंग करने के लिए 100W की फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी और चार्जिंग को लेकर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। 100W की फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा, तो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। और उधर फीचर के अनुवाद करते हैं तो बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए स्टूडियो स्पीकर, NFC का सपोर्ट, यूजीटी पोर्ट, अंडर डिजिटल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा ये स्मार्टफोन रन करेगा एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 14 पर। Realme UI देखने को मिल जाएगा, तो फीचर वाइज बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन की प्राइसिंग 32,000 से लेकर 33,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी कि ये स्मार्टफोन 30,000 से लेकर 35,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। और आपको इस स्मार्टफोन में डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा और चार्जिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 29 जनवरी को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।